हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स, बेस्ड ऑन कल्पमिया बाय मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पोकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेलस अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हेजेस रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवा रूज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को यह भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और राफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और निक और उसके दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टोपी नोआ को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू के फोन का उपयोग करके अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्चर्यचकित कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और इसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में
उसे अगले रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह विजेता बन दे गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि उन्नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स। बेस्ड ऑन है कल्पा मिया बाई मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पॉकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेलस अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हैजस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को अच्छे दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झुड़प झड़प शुरू हो जाती है। नू को ये भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है जिसके बारे में उसके पिता और रैफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाता है। हाँ, नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, इसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और उन निक और के दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टॉपी नोवा को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू का फोन का उपयोग करके उन अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में
निक का ध्यान भटक गया। फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्वस्त कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ दी जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और उसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं जा आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी थी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी, उसे अगले से रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी, जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे और उसे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि उन्नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उसके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स, बेस्ड ऑन कल्पा मिया बाई मर्सिडीज रॉन, और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग, और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पॉकेपासी फिल्म, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज, और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023, और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट, और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेलेस अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हैजस एज राफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है, अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को ये भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और राफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया
उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोवा को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और निक और के दोस्त अन्ना से मिलती है। अनु और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टॉपी नोवा को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू के फोन का उपयोग करके अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। हनु को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्वस्त कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और उसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं जा आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी थी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी उसे अगले रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स। बेस्ड ऑन है कल्पा मिया बाई मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पॉप के पास फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेल्स अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हेजेस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को अच्छे दोस्त
बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को ये भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और रैफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और रैफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और उन निक और के दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टॉपी नोवा को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू का फोन का उपयोग करके उन अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्वस्त कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ दी जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और उसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी, उसे अगले रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे और उससे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उसके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर डोमिंगो गोंजेल्स, बेस्ड ऑन कैलिफोर्निया
भाई मर्सिडीज रॉन और इसे पोडेज के एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिया निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रधान कंपनी है पोकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेलेस अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हैजस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को अच्छे दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को यह भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और रैफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। हाँ, नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी पार्टी में नोवा को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और उन निक और के दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टॉपी नोवा को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू के फोन का उपयोग करके उन अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। हनु को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने लग वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्चर्यचकित कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ दी जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और इसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं जा आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी थी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी, उसे अगले से रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे
वह जीत विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे और उसे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और ओनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि उन्नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स। बेस्ड ऑन है कल्पा मिया बाई मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेग्लिशी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पॉकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेल्स अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हेजेस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंगो एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को ये भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है जिसके बारे में उसके पिता और रफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। हाँ, नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, इसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और उन निक और के दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टोपी नोआ को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू का फोन का उपयोग करके अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्वस्त कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे
कैसे हम जानती है। शेर भी अपनी दौड़ दी जीत जाता है। नूह को देन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और इसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। नीक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है नीक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है। चूँकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है, नीक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं जा आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी थी और चूँकि कार शुरुआती लाइन में थी, उसे अगले से रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह जीत विजेता बन दे गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे और उसे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि उन्नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दिए डोमिंगो गोंजेल्स, बेस्ड ऑन कल्पमिया बाय मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पोकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेलेस अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हेजेस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है, अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को यह भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और राफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपनी प्रेमी लायन और निक के दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना
जल्द ही करीबी दोस्त बन गए। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टॉपी नोवा को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू के फोन का उपयोग करके अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। हनु को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्चर्यचकित कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और इसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं जा आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी थी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी उसे अगले से रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे और उसे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स। बेस्ड ऑन है कल्पा मिया बाई मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पॉकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेल्स अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हेजेस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को ये भी पता चलता है कि
निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और रैफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और रैफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और उन निक और उसके दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टॉपी नोआ को ड्रिंक पिलाकर उससे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू का फोन का उपयोग करके उन अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्वस्त कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ दी जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और इसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी, उसे अगले रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे और उससे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उसके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दिए डोमिंगो गोंजेल्स, बेस्ड ऑन कल्पा मिया बाय मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पॉकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला
वेल्स अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हैजस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को यह भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और राफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और निक और उसके दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टॉपी नोआ को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू के फ़ोन का उपयोग करके अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्वस्त कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और उसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी, उसे अगले रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी, जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे पोर्स का भुगतान करना होगा, जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उसके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं।
निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स, बेस्ड ऑन कल्पा मिया बाई मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेग्लिशी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पॉकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेल्स अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हेजेस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को अच्छे दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प झड़प शुरू हो जाती है। नू को ये भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और रफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाता है। हाँ, नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और उन निक और के दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टोपी नोआ को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू का फोन का उपयोग करके उन अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्वस्त कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ दी जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और इसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक
हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं जा आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी थी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी, उसे अगले से रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह जीत विजेता बन दे गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे और उसे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि उन्नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स, बेस्ड ऑन कल्पामिया बाय मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पोकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेलेस अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हेजेस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को यह भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और राफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और उन निक और के दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त
टॉपी नोवा को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू के फोन का उपयोग करके अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। हनु को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्चर्यचकित कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और उसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, चूँकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं जा आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी थी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी उसे अगले से रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स। बेस्ड ऑन है कल्पा मिया बाई मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पॉकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेल्स अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हेजेस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को ये भी पता चलता है कि
निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और रैफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और रैफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और निक और के दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टॉपी नोआ को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू का फोन का उपयोग करके अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्वस्त कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ दी जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और उसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी, उसे अगले रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे और उससे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उसके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दिए डोमिंगो गोंजेल्स, बेस्ड ऑन कल्पामिया बाय मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पोकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला
वेल्स अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हैजस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को यह भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और राफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और निक और उसके दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टॉपी नोआ को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू के फोन का उपयोग करके अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्वस्त कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और उसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी, उसे अगले रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी, जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे पोर्स का भुगतान करना होगा, जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उसके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं।
निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स, बेस्ड ऑन है कल्पमिया बाई मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिशी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पॉकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेलेस अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हेजेस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को अच्छे दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प झड़प शुरू हो जाती है। नू को ये भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और रफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाता है। हाँ, नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और उन निक और के दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टोपी नोआ को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू का फोन का उपयोग करके उन अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्वस्त कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ दी जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और इसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक
हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप करता है और उसे जान जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं जा आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी थी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी उसे अगले से रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया जिससे वह जीत विजेता बन दे गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे और उसे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि उन्नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स। बेस्ड ऑन कल्पामिया बाय मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पोकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेलेस अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हेजेस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को यह भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है जिसके बारे में उसके पिता और राफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और उन निक के दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त
टॉपी नोवा को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू के फोन का उपयोग करके अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। हनु को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्चर्यचकित कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और उसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं जा आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी थी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी उसे अगले से रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे और उसे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दी डोमिंगो गोंजेल्स। बेस्ड ऑन है कल्पा मिया बाई मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पॉकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला वेल्स अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हेजेस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को ये भी पता चलता है कि
निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और रैफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और रैफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और उन निक और के दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टॉपी नोआ को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू का फोन का उपयोग करके उन अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्वस्त कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ दी जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और उसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह ऐसा करता करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी, उसे अगले रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे और उससे पोर्स का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उसके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माय फॉल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2023 की स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए डोमिंगो गोंजेल्स और स्क्रीन पर दिए डोमिंगो गोंजेल्स, बेस्ड ऑन कल्पा मिया बाय मर्सिडीज रॉन और इसे प्रोड्यूस किए एलेक्स डी ले लेगलिसी कार्लोन बैंग और इसे स्टारिंग दिए निकोला वेल्स कैब्रिल कुएरा और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पॉकेपासी फिल्म और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया अमेजोन स्टूडियोज और इसका रिलीज डेट रहा है 8 जून 2023 और इसका रनिंग टाइम है 117 मिनट और ये स्पेन में बनी हुई स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निकोला
वेल्स अजनो के रूप में, कैब्रियल कुएरा अजनिक के रूप में, मार्टा हैजस एज रफेला के रूप में, इवान स्नेचेज एज विलियम लेसिस्टर के रूप में, इवारुज एज जीना के रूप में, विक्टर वेरोना एज लायन के रूप में, फ्रैन ब्रेंग्योर एज रोनिया के रूप में, इवान मैशेंग्यू एज जोन्स के रूप में। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। नू अपनी माँ राफेला के साथ अपने शहर छोड़ देती है। अपनी प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक रात्रि भोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नू के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है। नू को यह भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और राफेल को पता नहीं है। निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं। नू कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेल ने निक से नू को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर ही है, जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत है। निक और नू के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत निक द्वारा नू को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ और मारिया उठा लेते हैं और उससे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चला है कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वह जेना अपने प्रेमी लायन और निक और उसके दोस्त अन्ना से मिलती है और नू और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टॉपी नोआ को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीली पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है। निक हस्तक्षेप करता है, नू को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे की हालत में उगते समय नू ने अपने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया। इस बीच निक नू के फोन का उपयोग करके अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया। बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है। नू को और जेना ने ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है। हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया, फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली। नू ने जेना और लायन को भी आश्चर्यचकित कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह उसे कैसे जानती है। शेर भी अपनी दौड़ जीत जाता है। नू को डेन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह लियोनार्डो की चूमती है और उसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप की एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा करने पर अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है, जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती। नू ने गलती से कार स्टार्ट कर दी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी, उसे अगले रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी, जो रोनी था। भले ही रोनी ने धोखा दिया, उसे हराने में कामयाब रहा। रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 उससे पोर्स का भुगतान करना होगा, जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने नोटिस किया कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उसके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं।
निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो।